बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम दो टॉपिक्स हैं, सेवन स्टार डॉक्टर और लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, इनको डिस्कस करेंगे। इससे भी दो दो नंबर का सवाल आ जाता है। अब बात यह कि डॉक्टर के वैसे स्टार लोग कहते हैं सेवन स्टार डॉक्टर। देखें, स्टार्स का मतलब है डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डॉक्टर ने क्या क्या करना है, या डॉक्टर बेचारा सारी जिंदगी क्या क्या करता रहता है। पहली बात है केयर प्रोवाइडर, वी ऑल नो डॉक्टर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करता है, उनका ट्रीटमेंट करता है। कम्युनिकेटर, जाहिर डॉक्टर कम्युनिकेट करेगा पेशेंट से, और हाली पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करेगा, उनकी फैमिलीज के साथ भी कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिटी माइंडर, उनको असिस्ट करेगा प्रॉब्लम्स में। डिसीजन मेकर, डॉक्टर है टू मेक द डिसीजन कि आपने इस स्टेज पे ऑपरेशन करना है या नहीं करना, कीमोथेरेपी देनी है या नहीं देनी, एंटीबायोटिक देनी है या नहीं देनी, यूरिन ट्रीटमेंट करनी है या नहीं करनी, डिसीजन डॉक्टर करेगा। कम्युनिटी लीडर, देखें डॉक्टर आजकल लीडर है, डॉक्टर ने कम्युनिटी को लीड करना है, डॉक्टर ने कम्युनिटी को बताना है दीज प्रॉब्लम आर कॉमन, हमने ये मैसेज लेनी है, हम इस तरह काम करेंगे। देन रिसर्चर, अब ये बड़ा आजकल ना दुनिया में बड़ा रोला जी, रिसर्च रिसर्च। डॉक्टर रिसर्च क्या करेगा, डाटा लेगा उसके पास कौन से मरीज आ रहे हैं, उसने कौन से इंटरवेंशन की। लर्नर, लाइफ लॉन्ग लर्नर, डॉक्टर सारी जिंदगी सीखता रहता है, रोज इंटरवेंशन चेंज, रोज टेस्ट, जैसे विडाल था पहले, अब उनने कहा कल्चर करें, तो लर्निंग लाइफ लॉन्ग है, सारी जिंदगी से पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सेवन स्टार कौन से, केयर प्रोवाइडर, कम्युनिकेटर, कम्युनिटी माइंडर, डिसीजन मेकर, कम्युनिटी लीडर, रिसर्चर और लाइफ लॉन्ग लर्नर है। लेकिन सारी जिंदगी जब तक बेचारे के सामने चल रही है उसे सीखना पड़ता है। अब एक सवाल आता है कि लेवल ऑफ हेल्थ केयर, और याद रखें लेवल ऑफ प्रिवेंशन डिफरेंट है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर डिफरेंट है। लेवल ऑफ हेल्थ केयर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेवल ऑफ हेल्थ केयर का अगर सवाल आता है तो तीन लेवल में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब अगला सवाल यह है कि प्राइमरी में कौन सी फैसिलिटीज होती है। प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल आपने लिखना है, और आगे आपने लिखना है प्राइमरी में बीएचयू होगा और आरएचयू होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, टीएचयू होगा और डीएचयू होगा, टर्शरी में क्या होगा, टीचिंग हॉस्पिटल होगा या डिविजनल हेडक्वार्टर। यह आगे आपने लिखना है। दो नंबर का सवाल आता है प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर में लेवल ऑफ हेल्थ केयर में प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें बीएचयू और आरएचयू आएगा। बेसिक फैसिलिटीज यहां प्रोवाइड करनी है, बेसिक वैक्सीनेशन, मेटरनल चाइल्ड हेल्थ, मतलब यहां पे हम प्राइमरी प्रिवेंशन अप्लाई करेंगे, डिजीज ना हो। सेकेंडरी टीएचयू डीएचयू, वहां पे आप सर्जरीज करेंगे, पेशेंट एडमिट करेंगे, सारे काम करेंगे, वहां पे सेकेंडरी लेवल अप्लाई करेंगे। देन देयर इज टर्शियरी, टीचिंग हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, स्पेशलाइज हॉस्पिटल, सब स्पेशलिटीज यहां पे आती है। ये तीन लेवल है, आपने लिखना है प्राइमरी हेल्थ केयर, आगे लिखना है बीएचयू आरएचयू, सेकेंडरी हेल्थ केयर आगे लिखना है टीएचयू डीएचयू, टर्शियरी हेल्थ केयर आगे लिखना है टीचिंग हॉस्पिटल, और प्राइमरी के आगे लिखना है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी के आगे लिखना है सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी के आगे लिखना है टर्शियरी प्रिवेंशन, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर देखें बीएचयू आरएचयू ज्यादा होते हैं, ये उससे कम होते हैं, ये उससे कम होते हैं। अगर आप पिरामिड बनाएं तो बेस पे बीएचयू आरएचयू आएंगे, देन टीएचयू, देन डीएचयू, देन टर्शियरी हॉस्पिटल, और सेवन स्टार डॉक्टर। थैंक यू।